बहुत स्वागत। सत्ता का महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सबसे पहले, क्या दिग्गज दरकिनार होंगे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी कर सकती है। मध्य प्रदेश में इस बार कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं। पार्टी इस बार 15 नए चेहरों को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसके लिए इस बार पार्टी बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी 7 दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर सकती है, तो वहीं 15 से ज्यादा नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। आइए उन दिग्गज चेहरों पर एक नजर डालते हैं जिनका टिकट तय माना जा रहा है। भोपाल से वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। गुना या ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया। एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर चेहरों पर मंथन पूरा हो गया है। बीजेपी ने सत्ता और संगठन के 2 और 3 नेताओं का पैनल बनाया है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनके नाम 2 सीट पर दौड़ में हैं। हालांकि फाइनल लिस्ट दिल्ली दरबार में सर्वे के आधार पर ही तय होगी। बीजेपी का संभावित पैनल, भोपाल से बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी, शैलेंद्र शर्मा, आलोक शर्मा, आलोक संजर। मुरैना से नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज दंदोटिया। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, कौशल शर्मा, जयभान सिंह पवैया। भिंड से लाल सिंगार, सुमन राय, इमरती देवी, घनश्याम पिरोनिया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, राघवेंद्र शर्मा। सागर से गौरव सिरोठिया, हरबंस सिंह सुक्कू, राज बहादुर सिंह। राजगढ़ से रोडमल नागर, बंटी बना, अंशुल तिवारी, मोना सुस्तानी। होशंगाबाद से डॉक्टर राजेश शर्मा, दर्शन सिंह चौधरी, माधव दास अग्रवाल, अभिलाष मिश्रा। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान सांसद रमाकांत भार्गव, मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा। खंडवा से वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर सुभाष कोठारी। छिंदवाड़ा से नथन शाह कवरेती, डॉक्टर गगन कोल्हे, बंटी साहू। टीकमगढ़ से वर्तमान सांसद वीरेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष गोपाल राय, आर भारती आर, अश्विनी चढ़ार। दमोह से गोपाल भार्गव, राहुल सिंह लोधी, रामलाल पटेल। देवास से वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विजय अटवाल, मनोज परमार, गोपाल परमार, राजेंद्र वर्मा। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, विजय अटवाल, चिंतामणि मालवीय। बालाघाट से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, गौरी शंकर बिसेन, बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार। मंदसौर से सुधीर गुप्ता, नानालाल अटोलिया, हितेश शुक्ला, पवन पाटीदार। रतलाम से वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर, पूर्व विधायक दिलीप कुमार मकवाना। रीवा से जनार्दन मिश्रा, पुष्पराज सिंह, गौरव तिवारी। सतना से स्वप्ना वर्मा, राकेश मिश्रा, शंकर लाल तिवारी। सीधी से कांत देव सिंह, शरतेंदु तिवारी, रीति पाठक, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक। खरगोन से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, अमृता सोलंकी, वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी कम से कम ऐसे 15 नए चेहरे होंगे जो कि चुनाव मैदान में पहली बार उतरेंगे, और कई ऐसे दिग्गज नेता जो लंबे समय से लोकसभा की सीढ़ियों तक जा रहे थे, उनके टिकट काटे जाएंगे। तो 1 या 2 दिन में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने नामों की फाइनल लिस्ट बना लेगी और कुछ ही दिन में इन नामों का ऐलान हो जाएगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो कौन से वो दिग्गज होंगे, और जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है लगभग ये मानिए वो तय, लगभग तय के करीब है। इधर कल बीजेपी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, और सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है, और इससे पहले मध्य प्रदेश के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट पर दिल्ली में चर्चा हुई। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। सत्ता
सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का मैदान सज चुका है और बीजेपी तैयार है तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ। एमपी के प्रत्याशियों के बने पैनल पर चर्चा हो चुकी है। अमित शाह और जेपी नड्डा प्रदेश की सभी 29 सीटों पर राज्य कोर ग्रुप की रिपोर्ट और दावेदारों के नाम पर चर्चा कर चुके हैं। गुरुवार को दावेदारों के नामों पर मुहर लगेगी और कल ही नामों की घोषणा हो जाने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक भाव में सामूहिक नेतृत्व में लेती है तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता की रायशुमारी के बाद उसको विभिन्न पटलों पर रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है। यह प्रक्रिया चल रही है और जल्दी वो उचित प्रत्याशी जो 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल को धूल चटाएंगे वो सब नाम सामने आएंगे। बीजेपी की कल होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित बैठक का इंतजार है, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी और कल ही उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नामों पर मंथन के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले एमपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, जिसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले पार्टी अपने एमपी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा। इधर कांग्रेस भी लोकसभा उम्मीदवारों की जल्द लिस्ट जारी कर सकती है। मार्च में यह माना जा रहा है पहले दूसरे सप्ताह में प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। 1 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक में सिंगल नाम पर मुहर लगेगी। करीब 10 सीटों पर सहमति बन चुकी है, बाकी जो सीटें हैं उनमें 2 से 3 नामों का पैनल है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर दावे और वादों की खींचतान चल रही है। खींचतान बीजेपी और कांग्रेस के बीच। एक तरफ बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने के दावे से कुछ भी कम पर राजी नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब इन 29 सीटों में से 15 पर जीत का दावा ठोकने लगी है। पार्टी का ये दावा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सरे के पुराने दिग्गज नेताओं के दम पर टिका हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि उनके आला नेता अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रत्याशियों को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, जैसे कि विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। हमारा वोट परसेंट स्थिर अभी भी 40% है। इसको बढ़ाने के लिए सभी नेताओं ने पूरे ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, अभी हमारी जूम मीटिंग जैसे हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, तमाम हमारे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सभी ने पूरी ताकत से अपनी बात रखी। विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करवा चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बाजी पलटने का दम भर रही है, वो भी अपने दिग्गज नेताओं और एकजुटता के सहारे, जिसे सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बताती है। बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाली कांग्रेस आखिर एकजुट होगी कैसे। देखिए, कांग्रेस का नेता जिस भी एरिया में जाएगा सबसे पहले वो अपने दूसरे नेताओं के लिए गड्ढे खोदेगा, ये कांग्रेस की नीति है। तो कांग्रेस के नेता आपस में लड़के उलझ के न कार्यकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हैं न जनता के। बाकी 29 के 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की झोली में डालेगी, ये तय। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछली बार 28 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सभी 29 सीटें हथियार लेना चाहती है। दूसरी तरफ तमाम खामियों और चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस अब जाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की सोच रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस भलीभांति इस बात को जानती है कि भाजपा के मजबूत संगठन और पीएम मोदी के चेहरे का पार पाना है तो सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में दमखम लगाना होगा। पार्टी एक तरफ युवाओं के साथ दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की भी बात कर रही है और दिग्गजों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव वाले इलाकों में जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने का काम करें और पार्टी में टूट ना हो, इसको लेकर भी लगातार सतत कार्यकर्ताओं से संपर्क में बने रहे। बहरहाल कांग्रेस की ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में खाट पंचायत करेंगे। राहुल गांधी राजगढ़ के ब्यावरा में 100 खाटों पर किसानों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याएं और बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर बात करेंगे। खाट पंचायत में राजगढ़ के अलावा दूसरे जिलों के किसान भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की खाट पंचायत।
खाट पंचायत किसानों के हितों में है और राहुल गांधी से किसान अपना दर्द बयां करेंगे। रात में मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वह खटिया पर गांव में जाएंगे और उससे समस्या सुनेंगे। उन्हें रहने को भी मकान नहीं मिल रहा, उसमें ही लड़ रहे हैं मंत्री लोग, तो गांव कहां जाएंगे। और फाइव स्टार संस्कृति की जो इन्हें आदत लग चुकी है पिछले 20 सालों में, वहां अब मंत्री रात गुजारे गांव में, हाउ कैन पॉसिबल। देखिए, कांग्रेस की खाट जनता ने खड़ी कर दी है, इसीलिए अब जनता याद आ रही है। तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी को जनता की फिक्र नहीं थी। कांग्रेस की जब राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में रही, राजकुमार गायब रहे, इटली में छुट्टियां मनाते रहे। अब खाट पंचायत लगाने से ना कांग्रेस का कुछ होगा ना जनता का मन बदलेगा। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप से लगातार घिरते जा रहे हैं। पहले शिव डहरिया की पत्नी पर एक भवन पर कब्जे का आरोप लगा, अब अमरजीत भगत सवालों के घेरे में है। इस विवाद को कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बदनाम करने की साजिश बता रही है और सत्ताधारी पार्टी इसे सोची समझीती रणनीति के तहत कब्जा बता रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़ा मामला सामने आया, जो जमीन कब्जाने के विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अमरजीत भगत पर करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और उस पर अपना सरकारी कार्यालय बनवाने का आरोप लगा है। इस पर पूर्व मंत्री की सफाई भी आई है। सर, उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है? उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ? आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था मैं तब तक मैं अपना उपयोग किया, अब सामूहिक उपयोग के लिए है। सर, उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है? उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ? आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था मैं तब तक मैं अपना उपयोग किया, अब सामूहिक उपयोग के लिए है। चरागाह की जमीन पर कब्जा किया, जमीन पर आलीशान ऑफिस बनवाया, कब्जा कर सरकारी दफ्तर बनवाया, जमीन पर मंदिर ओपन गार्डन बना, चरागाह की जमीन पर ऑफिस कैसे बना, निर्माण की राशि किस विभाग ने खर्च की, पहले ऑफिस हैंडओवर क्यों नहीं किया गया, ऑफिस में लगे एसी अब क्यों निकाले गए? अमरजीत भगत पर जमीन कब्जाने के लगे आरोप को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि संभावित प्रत्याशियों को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। के जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके घरों में छापे लग रहे हैं, उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विधानसभा में माना कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अवैध निर्माण किया। उसे पिछली कांग्रेस की सरकार को मैंने कहा कि वहीं वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, वहीं वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, जो फैसले अक्सर गलत हुए। तो ये कोई संयोग मात्र नहीं था, कोई इंसिडेंट मात्र नहीं था कि पिछली सरकार ने जहां जहां दस्तखत किया और वो गलत होता चला गया। ये रिमोट से चलने वाली सरकार थी और उससे साजिश के तहत भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए, अपने जेबों को भरने के लिए इस तरह के दस्तखत किए गए। इस दृष्टिकोण से हमने पॉलिटिकल अटैक भी किया। इससे पहले एक और पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लग चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को एक और मुद्दा मिल गया कांग्रेस को घेरने का। ममता लाजिवार, न्यूज 18 रायपुर। देश में आम चुनाव की तैयारी के बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में घिर गई। राज्यसभा सांसदों के चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने
बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके बाद पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही, साथ ही सुक्खू सरकार के गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार खतरे में आ गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर दी। इसके बाद हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार मुसीबत में घिराई है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश कह रहे हैं बागियों पर कार्रवाई होगी। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द। और अब एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे, 14 सांसदों के कट सकते हैं टिकट। 2 बार से ज्यादा जो सांसद रहे हैं उन्हें बदला जा सकता है। नया फॉर्मूला चौंकाने, हम बार बार आपको ही बता रहे हैं, बीजेपी चौंका सकती है। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा, बीजेपी नया फॉर्मूला अपना सकती है। 2 बार से ज्यादा सांसद बदले जा सकते हैं, 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे, 14 सांसदों के टिकट लगभग ये माना जा रहा है कि कटेंगे। नया क्राइटेरिया पार्टी ने मध्य प्रदेश में सेट किया, 2 बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है, औसत आयु 50 साल, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, एज का फॉर्मूला। एक बात और, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, यानी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल तकरीबन 4 महिला सांसद हैं, 8 में से 3 महिला राज्यसभा सांसद हैं। तो मध्य प्रदेश में आने वाला है नया फॉर्मूला। सांसदों की बात कर ली जाए, मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, जिन पर अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी है, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से नारायण शेजवलकर, गुना से केपी यादव, सिंधिया को जिन्होंने हराया था, सागर राजबहादुर सिंह, टीकमगढ़ डॉक्टर वीरेंद्र खटीक बड़ा चेहरा है, दमोह प्रहलाद सिंह पटेल, अब उन पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, मंत्री बना दिए गए हैं, खजुराहो वीडी शर्मा, बीडी शर्मा ने कहा है कि इस बार तो रिकॉर्ड जीत होगी खजुराहो में। हालांकि सालों से जो बीडी शर्मा है, भोपाल उनकी पसंदीदा सीट कही जाने की बात निकलकर सामने आती थी। बहरहाल सतना गणेश सिंह, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी विधानसभा चुनाव की, हार गए थे। रीवा जनार्दन मिश्रा, सीधी से रीति पाठक विधानसभा चुनाव में हालांकि जीत गई हैं। शहडोल हिमाद्री सिंह, ये राज परिवार से आती हैं शहडोल हिमाद्री सिंह, और इनके जो माता पिता दोनों हैं वो बहुत दिग्गज कांग्रेसी रहे हैं। जबलपुर राकेश सिंह, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिल गई है, अब मंत्री हैं। मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते, हालांकि विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते को मौका दिया गया था निवास से, चुनाव नहीं जीत पाए वो। बालाघाट ढाल सिंह बिसेन, छिंदवाड़ा से फिलहाल सांसद नकुल नाथ हैं, लेकिन नत्थन शाह जिन्होंने मार्जिन को करीब 30,000 के आसपास सिमटा दिया, उन्हें भी मौका मिल सकता है यहां से। होशंगाबाद राव उदय प्रताप सिंह, विदिशा रमाकांत भार्गव, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने हराया था दिग्विजय सिंह को।
सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, नया फॉर्मूला, नया प्रयोग एज को लेकर, महिलाओं को लेकर और दो बार से ज्यादा की सांसद अगर है तो उस नियम को लेकर, बड़ा प्रयोग नया प्रयोग, फिर चौंकने के लिए तैयार रहे। शैलेंद्र। बिल्कुल अली, देखिए बीजेपी का हमेशा से एक प्लान होता है कि वो जब भी प्रत्याशियों का चयन करती है तो एक गाइडलाइन बनाती है और उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ही प्रत्याशियों का चयन करती है। तो बीजेपी की दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं और आज दिल्ली में जो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक थी उसमें लगभग सभी नामों को लेकर चर्चा हुई है। 2 से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। अब कल जो सीसी की बैठक होगी उसमें नामों को लेकर फाइनल सूची को मंजूरी दी जाएगी। तो निश्चित ही भाजपा ने जो क्राइटेरिया बनाया उसमें सूत्र बताते हैं कि इस बार जो 3 बार के ज्यादा के सांसद है ऐसे कई चेहरों को इस बार घर बिठाया जा सकता है। इसके अलावा 7 ऐसे जो चेहरे थे जिसमें से 5 अब सांसद से विधायक बन चुके हैं या सांसद नहीं है, उन लोगों की जगह नए चेहरे होंगे। तो करीब माना जा रहा है कि 15 ऐसे चेहरे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश चेहरे होंगे, बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और ये सब 50 साल की उम्र के आसपास होंगे। तो एक उम्र के क्राइटेरिया पर बीजेपी ने काम शुरू किया है। इसके अलावा जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि संगठन में लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आम कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी का यह मैसेज राज्यसभा के समय भी दिया गया जब माया नारियोलिया महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उनको राज्यसभा भेजा गया। यही साफ तस्वीर लोकसभा में। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा, दिल्ली से भी जरा अपडेट ले लेते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर चौंका सकती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, नए नियम जो निकल कर आ रहे हैं, नई गाइडलाइन जो आ रही है, फिर चौंकने के लिए तैयार रहना होगा। विनीत, मैं चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो है कई नाम जो है वो चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे कुछ विधायक जिसमें हम अगर हम नाम लें तो शिवराज सिंह चौहान के भी जो नाम है उनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण है और यह लगातार बात आ रही कि शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया जा सकता है। हालांकि अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो मध्य प्रदेश से पहले भी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, विदिशा से वो चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम होंगे जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हालांकि नरोत्तम मिश्रा का भी जो नाम आ रहा है वो विधायकी का चुनाव जो है वो हार गए थे, लेकिन फिर भी यह बात आ रही है कि उन्हें भी जो पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय भी जो है उनको भी पार्टी जो है वो भी लोकसभा का टिकट जो है वो दे सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी आखिरी मोहर और मंथन होना जो है वो बाकी है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरह से यह तय किया है और जो लोकसभा के जो उम्मीदवार के जो नामों की घोषणा की जाएगी उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रखा जाएगा कि आखिरकार कौन ऐसा उम्मीदवार है जो जिताऊ उम्मीदवार हो, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में तय किया है कि सारी सीटें जो है वो बीजेपी जीतना चाहती है, उसको लेकर के बीजेपी जो है वो अपना मंथन जो है वो लगातार कर रही है और जो उम्मीदवार जो है वो उन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं उन्हें मुख्यतः तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं, चाहे अगर हम प्रहलाद पटेल की भी बात करें, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें जो है वो उन्हें अपना बीजेपी जो है वो टिकट देती है या फिर उन्हें राज्य में रखती है। ये बात है, हालांकि कुल जमा चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आएंगी, इतना तय है अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होते हैं तो। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, ग्वालियर चंबल अंचल दो वजहों से, एक तो विधानसभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो, और दूसरा वहां पर वर्चस्व की लड़ाई थोड़ी अंदर खाने ज्यादा चल रही है, और दूसरा नकुलनाथ की सीट यानी छिंदवाड़ा महाकौशल, ये दो चुनौतियां टिकट के सिलेक्शन में भी बंटवारे में भी सामने आएंगी। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें
तो वहां पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो राज्यसभा से गए हुए, लेकिन इस बार उन्हें गुना या ग्वालियर दोनों में से लड़ाया जा सकता है। गुना चुनाव जो 2019 का हुआ था, गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे, उसके बाद वो भाजपा में आए और अब भाजपा से मंत्री है, तो निश्चित ही गुना या ग्वालियर से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़ जाता है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं अब वो विधानसभा के स्पीकर हो चुके हैं, विधानसभा से चुनकर गए, तो अब वहां पर एक बड़ा छत्रप जो होंगे वो सिंधिया। लेकिन अब छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में जो अटकलें थी कि कमलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं, नकुलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं, अभी फिलहाल वो अटकलें थम गई है। तो निश्चित ही छिंदवाड़ा में पार्टी किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है जो कि कमलनाथ नकुलनाथ को चुनौती दे सके जी। और वो मार्जिन भी वैसे कम हो गया है, बहुत बड़ा टारगेट अब बीजेपी के वहां रहा नहीं। अब मैं रोकना चाह रहा हूं विनीत, 30 सेकंड के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। कब तक इंतजार? टिकट बदले जाएंगे, ऐलान होगा, उसके आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है कब हटा दें वो? जी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम को बैठक होगी और उसके बाद जो ही इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी कि आखिरकार टिकट जो है वो किसे दिया जाए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 मार्च को टिकट की घोषणा जो है वो हो सकती है, और इससे पहले आज जो है मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चौंकने के लिए तैयार रहने की जरूरत, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के सिलसिले जारी रहेंगे।